क्या बिहार के अंग्रेजी थे प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है, यही भी आ रहा है। क्या बिहार को नौवीं खेल चलाएगा? गलतफहमी तो ये है कि जातीय जनगणना करके जातिवाद में लड़ना ही जातिवाद दिखता है। ये वही बच्चा है जो कह के गारंटी इंडिया में नौकरी दिया, इसको देख के हमारे प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांटा। हमने नौकरी दिया, हम पहली बार ये देश में देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी नौकरी दे रहे हैं। डायपर लीक नहीं हुआ बिहार में, पेपर लीक हो जा रहा है। नीतीश जी 17 साल से गोली खा के सुतल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्ण। देखिए, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के डेट आने से पहले पेट्रोल और डीजल के 2-2 रुपए दाम सस्ते कर दिए गए हैं। अब हम लोगों से जानेंगे कि ये बढ़िया किया गया है या खराब किया गया। क्या नाम है भाई साहब? मैं तिवारी हूँ, बोलिए। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का 2-2 रुपया दाम सस्ता कर दिया गया, ये सही हुआ कि गलत हुआ? वो केंद्र सरकार किया है। हाँ, तो राज्य सरकार को भी चाहिए 10 रुपया कम कर देना चाहिए। हाँ, वो क्यों नहीं करता है? राज्य सरकार भी तो उन्हीं का है जो केंद्र सरकार में बैठे हैं। पूरे भारत में केंद्र का ही सरकार है। यहाँ पे बिहार की बात, बिहार का छोड़िए ना, बंगाल में करवा देंगे। बिहार में क्यों छोड़ दे? तो बंगाल में तो सस्ता होना चाहिए ना। बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार में मोदी नहीं कर रहा है, चलिए छोड़िए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी तो कर सकती है। कभी ममता बनर्जी को देखे आंदोलन करते हुए पेट्रोल पर? ये क्या कह रहे हैं कि भैया बंगाल जब मोदी जी ने 2-2 रुपए दाम सस्ता कर दिए तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? क्या बिहार में नहीं हो रहा है? 2-2 रुपए दाम सस्ता पेट्रोल डीजल के, इनको पता ही नहीं है कि पूरे देश में 2 रुपया सस्ता हुआ है। इनको आधी जानकारी लेकर ही यहाँ पे आ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो 10 रुपए होना चाहिए, 15 रुपए होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? हम बता रहे हैं भैया, सुनिए एक मिनट सुनिए भैया, बीजेपी का फुल फॉर्म, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, फुल फॉर्म बोलिए, आप बताइए। हम बता रहे हैं बीजेपी का सीएम, बिहार का नीतीश कुमार बीजेपी का सीएम है ना? नीतीश कुमार ही बोले बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी। नरेंद्र मोदी जी जो है सिर्फ उसके भाषण में दम है, उसके बाद सिर्फ एकदम 2 करोड़ पूरे भारत में रोजगार देने दिया। लोग हैं जो सिर्फ अपने जात के नाम पे ही बिकना चाहते हैं। ये फैला रहा है, सम्राट चौधरी मंच से बोला है किसी कुशवाहा के बेटा को तो गोली मार चलेगा। गृह मंत्री पाली में कर पिछला सम्मेलन करवा रहा है, जातिवाद नहीं है? अरे गृह मंत्री जातिवाद फैला रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले अमित शाह जातिवाद फैला रहा है पाली में, जातिवाद सम्मेलन बिहार की भाजपा वाले जातिवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच से बोला किसी कुशवाहा के बेटा को गोली मार चलेगा। गृह मंत्री आता है पाली में अति पिछड़ा सम्मेलन करवाता है, भाजपा का मुख्यमंत्री आता है यादव सम्मेलन करवाता है, जातिवाद नहीं है? जातिवाद है कि नहीं है? बिल्कुल है जातिवाद, हम समझ सकते हैं कि जातिवाद है, लेकिन ये सिर्फ नेता बोलते हैं जाति फैला रहे हैं। लेकिन ये जनता क्या कर रहे हैं? ये जनता का अगर आप जात पूछ दीजिएगा तो हम 100% अगर सच्चाई से ये बता दे तो 100% हम कह सकते हैं कि वैसी 2-3 जाति से ये बिलोंग करते होंगे जिन्होंने 1990 के राज में बिहार को वो काला दौर दिखाया है जिसका दर्द आज बिहार के युवाओं को कड़ाना पड़ रहा है और सारे बिहार के वो दर्द है। जरा आप यही से आप बता दें, वही दर्द है जिनके भी आज बच्चे या जो भी है, सब मैंने पहले ही आपको बता दिया, सब मैंने आपको बता दिया। हमारे पिताजी ने इतना ही कहा, बेटा तुम 2 रुपया महंगा दे देना नमक, लेकिन वैसे गद्दारों को वोट नहीं देना। कौन है गद्दार? गद्दार सार्वजनिक रूप से तो आप जानते ही हैं 1990 का दौर का नाम किसका लिया जाए कि क्या हुआ। तो ये बोले उप मुख्यमंत्री का नाम लिए, सम्राट चौधरी का नाम लिए, ठीक है, अमित शाह का नाम लिए, गृह मंत्री का नाम लिए ना 1990 में। 1990 भैया सुनिए ना मेरा बात, 1990 में सम्राट चौधरी तो नहीं थे जातिवाद बोलने वाले। बूढ़ा बाल साफ करो का नारा किसने दिया? दिया था बूढ़ा बाल साफ, लोग हटाया। आप कह दे रहे हैं आपको भी लोग हटाएगा, कौन हटाएगा? सुनिए मेरा, सुनिए, जाते 300 रुपया खाना में जाते हैं, झंडा लेके हटाने जाते हैं गांधी मैदान में हटाने। क्या कह रहे हैं? बिहार में 14% यादव है, लोग यादव सम्मेलन करवा रहा था, जाइए बापू सभागार में यादव सम्मेलन हुआ और एक भी यादव मंत्री नहीं है। अरे एक भी यादव मंत्री, आपके यादव नेता तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। अरे भाई बिहार में भी यादव सम्मेलन करवा रहे, दिल्ली में यादव सम्मेलन करवा रहे हैं, वो दिल्ली में मंत्री। नित्यानंद राय कहा बिहार के नहीं है, बिहार सरकार में मंत्री कहा नहीं है, बिहार में 14% आबादी है हमारा। विजेंद्र यादव कौन है? यादव नहीं था,
भूपेंद्र यादव आवाज बिहारी चौबे, अरे बीजेपी करवाया था, नीतीश जी नहीं करवाए थे भाई, सरकार तो दोनों की है ना। ये घूम फिर कर जात पर, हम आपको शुरू में ही कह दिया था कि ये हो ना हो ये दो तीन जात में ही से आएंगे, ये निकल गए। इनके इनके विधानसभा में स्पीकर अभी कौन बनाए गए, अभी मध्य प्रदेश में सीएम किनको बनाया गया? आप अगर बिहार में भी पढ़े लिखे यादवों को मौका दीजिएगा, बिहार में यादवों को काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन आप एक ही परिवार एक ही घर के लोगों को बनाना चाहते हैं क्यों? अगर ये यादव है ये क्यों नहीं बन सकते हैं? ये खुद जवाब दे, ये खुद जवाब। यहाँ से विधायक नितिन नवीन है, मंत्री बने हैं, भाजपा में भी एक ही परिवार की, क्या बिहार को नौ भी खेल चलाएगा? आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप जवाब दीजिए, इनके बातों का जवाब दे दीजिए। नितिन नवीन को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कौन है? विधायक है हमारे पद निर्माण में, उनके बाबूजी भी विधायक थे नवीन। तो कह रहे कि वो परिवारवाद नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं उस परिवारवाद, मैं परिवारवाद अपना मुंह में लाली पहुना के समझिए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है मतलब समझिए, समझाइए। उसी का पार्टी हो, उसी का सारा विधायक हो, उसी का सारा जाति हो, उसी का पूरा पटना में कब्जा हो, उसको परिवारवाद कहते हैं। अगर हमारे बाप नेता है, छोड़ दो छह को टिकट मिला भाई, उन्हीं के परिवार की पार्टी है। अगर हमारे बाप नेता है, अगर हमारे बाप नेता है और हम में अगर काबिलियत है तो हमको क्यों नहीं आना चाहिए? वो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद वो है। आपको बता देते हैं, तेज प्रताप यादव, मिसा यादव, तेजस्वी यादव, उनमें काबिलियत पारस जी के कैबिनेट में मंत्री, काबिलियत पशुपति पारस जी के कैबिनेट में मंत्री, मोदी कैबिनेट में मंत्री है पशुपति पारस। वोटिंग नहीं कीजिए भैया, वोटिंग नहीं। आप सुन लीजिए दो मिनट, सुन लीजिए। गलतफहमी तो ये है कि जातीय जनगणना करके जातिवाद में लड़ना ही जातिवाद दिखता है। जातिवाद मोदी जी कैसे करते हैं सुन लीजिए, सबका साथ सबका विकास, आदिवासी, अरे सुन लीजिए। हम भी ओबीसी हैं, लेकिन हम जातिवाद के समर्थक नहीं है। हम क्यों करें जातिगत फैला रहा है, देश का गृह मंत्री जातिवाद फैला रहा है। इन्होंने 500 करोड़ रुपए करके इन्होंने ही दबाव में करवाया। हमारा क्या बिहार यूरोप बन गया जातिवाद, जातिगत जनगणना करवाने से? जातिगत जनगणना नहीं, हमारे बिहार को शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है। जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद ये कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है? ये यादवों का बात कहां से? हम ओबीसी हैं, हम कहां बात किए? हम ये कह रहे हैं कि भैया आपके जो गृह मंत्री अमित शाह है वही जातिवाद कर रहे हैं। वो कहां, उनका बेटा कहां है, उनका पोता कहां है, उनका क्रिकेट खेलने आएगा? अमित शाह का बेटा क्या है इन्हीं से पूछिए, अमित शाह का बेटा क्या है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बन गया? बॉल पकड़ने जानता है, बल्ला पकड़ने जानता है, बल्ला पकड़ने जानता है वो बन गया। एक बार देखा होगा तू, एक बार देखा होगा उद्घाटन करने का। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बीसीसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन? अरे सचिव है, अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, सचिव है। कौन करता है? यह गया है कि बैट खेलने आता है। 1991 में एलपीजी आया था देश में, जब एलपीजी आया था तो लालू जी से पूछा गया, सारे नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया कि हमारे पास दो लोगों का जरूरत है, दो तरह के लोगों का, एक मजदूर क्लास लोगों का जरूरत है और एक पढ़े लिखे लोगों का जरूरत है। तो दो तरह के लोग, साउथ के लोग और नॉर्थ इंडियन के लोग आए थे। लालू जी ने बोला हम मजदूर सप्लाई करेंगे, साउथ के लोगों ने बोला था हम पढ़े लिखे लोगों को। क्यों उसी समय से बिहार को मजदूर सप्लायर बना दिया गया, सारे बिहार के मजदूरों को पहुंचा दिया गया। अब क्या हो रहा है? 17 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसी का आज देन है जो कि आज भी बिहार के युवा खड़ा हो रहे हैं, बोल रहा है। लालू जी का देन है कि खड़ा होके बोल रहा है, बोल रहा है कि हम खुद ओबीसी है। अरे पूछिए ओबीसी क्या औकात था, पूछिए ओबीसी का क्या औकात था? अरे खटिया पर बैठने नहीं दे रहा था, पूछो अपने बाप दादाओं से जाकर, पूछिए अपने पूर्वजों से जाकर क्या होता था 90 के पहले। लालू जी का देन है कि तुम सूट बूट चढ़ा के बोल रहे हो, पता है। लेकिन क्या ये लालू जी का देन है? हमको खुद पता है। ठीक है, ये झंडा लेते बैठाए कि अंबेडकर जी बैठाए, उनसे पूछिए, झंडा लेके घूमते हैं। लालू जी बैठाए कि अंबेडकर जी, लालू जी बिठाए कि अंबेडकर, अंबेडकर तो संविधान दिया फिर भी बैठने नहीं दिया। आज यही लोग अंबेडकर को नहीं मानते, ये अंबेडकर की बात करेंगे, यही अंबेडकर की। अरे दिल्ली के सड़कों पर संविधान को कौन जलाया? दिल्ली की सड़कों पर संविधान को कौन जलाया? ये बोले कि ये भाई, ये हमारे प्यारे भाई, ये हमारे प्यारे भाई साहब बोले कि हमको बोलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, हम मानते हैं हमारे साथ भी शोषण हुआ, लेकिन क्या आप अधिकार दिलवाइएगा उसका क्या मतलब? 100 साल पहले का हुआ, 10 साल पहले का हुआ, 50 साल पहले का हुआ, इस पे बहस करके कुछ मिल जाएगा?
इसमें बहस करने से कुछ मिलेगा? पूछ रहे हैं, बताइए सम्राट चौधरी जी क्या है बोले। हम नए को ला सकते हैं, हम 20 साल पहले वालों जो जिसने हमारे साथ हर जुल्म किया उसको हम क्यों लाएंगे? तुमको जिसको लाना है लाओ, पीछे अगर कुछ मिल जाएगा उखाड़ने से तो बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर अभी पे बात करो। हम अपनी बातों को कह रहे हैं, अभी पे बात करो, हम अपनी बात वर्तमान। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है आप लोग परिवर्तन करवाएंगे कि फिर से वही सरकार को लाएंगे? परिवर्तन करवाएंगे तो किसको करवाएंगे ये भी पूछ लिया जाए। परिवर्तन करवाएंगे, हम चिराग पासवान के भी समर्थक हैं, हम ओबीसी हैं, लेकिन ये हर जगह ये जाति बात करना चाहते हैं। हम दलित दलित जो कि बहुत पढ़े लिखे इंसान है, जिसने ना जाने ऐसे कितने मजदूरों का आवाज उठाया, जिसने हम बता रहे बिहार ख्याल हम बता रहे। देखिए नीतीश जी 17 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहा, जब तेजस्वी यादव आरजेडी के सरकार में आया फिर बीजेपी में पलट गया, फिर जब गया आरजेडी में तो तेजस्वी यादव क्या गया उनके साथ। तेजस्वी यादव बिहार में 4 लाख नौकरी देने का जरूरी कर रहे हैं। चिराग पासवान परिवार बात नहीं है, बाप सांसद, चचा सांसद, भतीजा सांसद, सब सांसद है। 6 को टिकट मिला, 5 को परिवार से। आइए अभी परिवार बात बोल रहे थे, अरे चिराग पासवान परिवार बात तो वो भी है। आइए आते हैं, ये उसी परिवार की बात करते हैं। मैं परिवार बात पे यही कहना चाहता हूँ, मैं एक परिवार का मैं नहीं देख सकता। ये यादव है, ये क्यों नहीं बन सकते हैं? इन क्या इनके समाज में वो पढ़े लिखे युवा नहीं है? अरे भाई तुम कहां खड़े कि मोदी कैबिनेट तेजस्वी को बना? जवाब ले लो बाबू, हमें और यादव विधायक है कि नहीं है? यादव ले लो। नीतीश जी, जब नीतीश जी की पहली गवर्नमेंट बनी 2005 में, तकरीबन 45 से 55 सांसद सॉरी विधायक यादव थे, बीजेपी जदयू मिला के। अब आइए, पर बोले कि यादव का कब्जा क्यों? जब तक लालू मैं नहीं बोला जादव, मैं एक परिवार का कब्जा। हाँ हाँ ठीक, उसमें तो देखिए भैया, इससे पूछिए कि लालू यादव और राबड़ी देवी जब तक राज कर रही थी, तेजस्वी यादव क्या कुछ था उसमें? दोनों के पॉलिटिक्स खत्म होने के बाद 2014 में दोनों भाई की एंट्री होती है, ठीक है? और आप उठा के देखिएगा तो राजनीतिक दल आपसे बहुत मिलेंगे आपको जो अपने बाप का उत्तराधिकारी बना, चाहे बिजनेसमैन ही बनता है, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। ये बच्चा पहले खेलने कूदने गया था, सबको पता है कि आईपीएल टीम में था, खेल नहीं पाया, पानी तक ढोया। चाहिए हर जगह फ्लॉप होने वाला, कहां पास हो क्या लगा है? ये बच्चा ही है फ्लॉप होने, ये वही बच्चा है जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना। बिल्कुल, ये वही बच्चा है जो कह के गारंटी इंडिया में नौकरी दिया, इसको देख के हमारे प्रधानमंत्री नियुक्ति पक बांटा। हास्यात्मक है। पहली बार हम ये देश में सुन रहे हैं, बहुत सारे होल्डिंग लगाया जा रहा है, हमने नौकरी दिया, हम पहली बार ये देश में देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी नौकरी दे रहे हैं बिना मुख्यमंत्री का। आज भी आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आज भी नियुक्तियां फिर से चल रही है, जब जब बिहार को नौकरी की जरूरत हुई है दी गई है। आप नौकरी उतना ही दे सकते हैं जितना आपकी क्षमता हो। इनको बजट 2 लाख करोड़ है। अभी कांग्रेस का नेता राहुल गांधी बोलती वही नीतीश कुमार तो बोले थे कि रोजगार कहां से लाओगे? जीत है प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है, यही बिहार है। हार के आगे जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है, यही बिहार है। डायपर लीक नहीं हुआ बिहार में, पेपर लीक हो जा रहा है। नीतीश जी 17 साल से गोली खा के सुतल थे। सुन लीजिए, ये पेपर लीक पे बोल रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही पेपर लीक का मामला आया है। पेपर लीक होने से पहले ही बाग में पुलिस ने रेड मारकर, अगर आप पेपर लीक करेंगे कर रहे हैं सरकार आप काम कर रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए पेपर लीक कर ये तो कह रहे हैं। पेपर लीक होने से पहले ही हजारीबाग से 300 लोगों को भाई, अरे प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट था। एक उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर मिलता है तब प्रश्न मिलता है। उत्तर प्रदेश हुआ क्या? तेजस्वी यादव की सरकार जब यहाँ बदली, नीतीश जी इधर से उधर हुए, तो सारे बीजेपी लोगों ने क्या कहा कि हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या एक सरकार को मैंने इसलिए बैठाया है? हाँ। काम करने के लिए बैठाया ना, जो ये बच्चा 17 महीना में करके दिखाया। हाँ। और आप बैठे तो क्या किए? जांच करेंगे, तू कैसे नौकरी दे दिए? क्या कह रहे हैं ये बालू माफिया, भूमि माफिया, ये बोल रहे हैं उसी के लिए आए हैं, ये गुड गवर्नेंस चाहते ही नहीं है।